संडे की छुट्टी यानी चिल टाइम और रिलैक्सेशन, और जहां तक एंटरटेनमेंट का सवाल है वो तो लेकर आते हैं हम आपके लिए, और ऐसी ही एक एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज यहां कर रही है आपका इंतजार। विदेश में भारतीय ब्यूटी पेजेंट, यूए में भारतीय टैलेंट और हुस्न का खास प्रदर्शन, ये नजारे हैं अजमान यूए की, जहां पर लगा हुआ है फैशन का मेला, और ये फैशन का मेला है ग्लैमॉन 2023। जी हां, एक ऐसा ब्यूटी पेजेंट जहां पर चुनी जाएंगी मिसेज इंडिया और मिस्टर इंडिया भी, लेकिन बाकी पेजेंट से यहां पर अलग बात यह है यहां पर प्लस साइज कैटेगरी भी है। जी हां, एक तरफ है जीरो साइज फिगर वाले कंटेस्टेंट तो दूसरी तरफ है प्लस साइज वाले कंटेस्टेंट, यानी यहां पर साइज मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपका टैलेंट, कॉन्फिडेंस और खुद को पेश करने का अंदाज। ग्लैमॉन को पिछले कई सालों से लेकर आ रही है यानी कि मंदुआ और उनकी टीम, और इस बार मंदुआ और उनकी टीम ने चुना है यूएई के अमीरात अजमान को अपना लोकेशन। वही अजमान पैलेस बन गया है इस फैशन इवेंट का डेस्टिनेशन, जहां पर पूरे 5 दिन ये 46 प्रतियोगी जिनमें शामिल है मिस इंडियाज, मिसेज इंडियाज और मिस्टर इंडिया अलग अलग ग्रूमिंग सेशन से गुजरेंगे। देश भर से आए हुए एक्सपर्ट्स इनकी ग्रूमिंग करेंगे, कोई इन्हें वॉक करना सिखाएगा, कोई इन्हें मेकअप करना सिखाएगा, इनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्लासेस लेगा और कोई इनमें भरेगा जोश। ये सभी प्रतियोगी को एक कड़े ग्लैमॉन की टीम के साथ एक कड़े वक्त से गुजरना होगा, जहां पर इनकी योगा क्लासेस होंगी, इनकी फिटनेस क्लासेस होंगी, होगा इनका फोटोशूट। ये पहनेंगे बीच पर बीच वेयर के कपड़े, कराएंगे बीच पर अपना डिजाइनर कपड़ों में फोटोशूट, और उसके बाद टैलेंट राउंड में दिखाएंगे अपने टैलेंट का रूट। जूरी इनमें से चुनेंगी वो विनर्स जो आगे जाकर अंतरराष्ट्रीय पद पर रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन इसी के साथ होगी पार्टी भी। और ये सारे नज़ारे आपके लिए लेकर आया है सास बहू और बेटियां, जो पूरे 5 दिन इस पूरे इवेंट के बिहाइंड द सीन्स आपको दिखाएगा। तो चलिए चलते हैं सीधा यूएई। दुबई के पास है एक ऐसा अमीरात जिसका नाम है अजमान, और यहां का ये डेस्टिनेशन है भाई अजमान पैलेस, जो स्वागत कर रहा है इन फाइनलिस्ट के साथ। डे वन की शुरुआत है वही अजमान पैलेस होटल में इन सभी के स्वागत के साथ, जहां बंदुआ और उनकी टीम ने इन सभी कंटेस्टेंट्स का स्वागत किया। भाई इन सभी का हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस शो का हुआ आरंभ। डे टू की शुरुआत हुई इनके योगा लेसन के साथ, जहां पर फिटनेस इन्फ्लुएंसर रिनी शर्मा ने इन्हें योग के मंत्र बताए। इसके बाद बारी थी जिम में जाने की, जहां पर ग्लैमॉन की टीम से जीत गिल ने इनको फिटनेस के टिप्स दिए। भाई सब ने पसीना बहा और अब ये रेडी हैं आगे के लिए ग्रूम होने के लिए। इसके बाद मौका था ग्रूमिंग एक्सपर्ट मोनिका भदौरिया की क्लासेस का, जहां पर मोनिका ने इनको वॉक करना सिखाया। इसके बाद यहां पर आई समायरा, तो एक मोटिवेशनल एक्सपर्ट है, ग्लैमॉन की कंटेस्टेंट रही है। भाई समायरा ने ढेर सारी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइजेस कराई और इनके मोराल को बूस्ट किया।
की शुरुआत हुई शिवांगी पांडे की क्लासेस के साथ। शिवांगी पांडे पिछले साल की ग्लैमऑन विनर है, वो प्लस साइज मॉडल है और शिवानी ने सभी प्रतियोगियों को दिए कुछ खास मंत्र ताकि ये आगे सर उठाकर इस कॉन्फिडेंस के मुकाबले को जीत पाए। डे टू का दिन था टैलेंट राउंड का भी। जी हाँ, अब देखते हैं टैलेंट राउंड, जहाँ पर इन सभी ने अपने डांस का जलवा दिखाया। किसी ने महाराष्ट्र लावणी की तो किसी ने बॉलीवुड का डांस किया, कोई अपने स्टेट का डांस कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई पोइट्री कर रहा है, तो कोई जीवन के फलसफे बता रहा है और तो कोई हंसा रहा है। वही सभी कंटेस्टेंट ने टैलेंट राउंड में अपना बेहतरीन अंदाज दिखाया। टैलेंट राउंड के जूरी में शामिल थे मशहूर टीवी एक्टर तरुण खन्ना, उनके साथ थे पिछले दो सीजन जीतने वाली ईशा त्यागी और पिछले साल के विनर्स भी। और अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे ही कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। तो ये बहुत ही प्यारा मोमेंट था एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कंटेस्टेंट्स। आई होप कि बेस्ट वन विंस। बट हाँ, मेरे फ्लैशबैक में जो मेरे अप्स एंड डाउन्स थे और जब मेरे को ये प्लेटफॉर्म मिला तो इट हैज़ गिवन मी सम न्यू विंग्स टू फ्लाई एंड टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। बंदा जो यहाँ आज खड़ा है ना स्टेज पे, दे आर ऑलरेडी विनर्स, क्योंकि इंडिया ऑल इंडिया राउंड से इनको सेलेक्ट करके लाया गया है। और ये जो पोटेंशियल इनका है, मेरा ये मानना है ठीक है क्राउन एक या दो को मिलता है, वी ऑलवेज से द बेस्ट वंस मस्ट विन, बट आई फील एवरीबडी टेक्स बैक अ जर्नी, एवरीबडी टेक्स बैक एक्सपीरियंस, और वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। और यही एक्सपीरियंस है जो आपको आगे चल के अपनी जर्नी में हेल्प करेगा। सो मायूस होने की तो कोई बात नहीं, हर कोई ऑलरेडी विनर बन चुका है। एक फॉर्मेलिटी हम करते हैं, वी वॉन्ट टू क्राउन ऑफ कोर्स टू और थ्री पीपल, बट आई थिंक इट्स द बेस्ट चेंजिंग लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव। इन सभी ने इनके टैलेंट को परखा। इसके बाद था पार्टी का मौका, जहां पर सब ने दो दिन की कड़ी मेहनत के बाद जमकर पार्टी की। जिनमें शामिल हुए जूरी और मंदुआ की टीम भी। अगले दिन की शुरुआत हुई शो के डायरेक्टर लोकेश शर्मा की ग्रूमिंग क्लासेस के साथ। भाई लोकेश ने इन सब की क्लासेस तो ली, लेकिन साथ साथ इनके फिनाले की वॉक को भी परफेक्ट किया। और उसके बाद था बीच वेयर राउंड। जी हाँ, बीच पर सब ने बीच वेयर तो पहना ही, इसी के साथ रिंकी कुकरेजा के डिजाइनर ड्रेसेस पहनकर बीच पर अपना खास अंदाज दिखाया। बीच के बाद मौका था फोटोशूट का, जहां पर सब ने पहने और अब वक्त आ गया है फिनाले का। शाम को सभी जूरी मेंबर्स ने इन सब के साथ वन ऑन वन बातचीत की और इनकी पर्सनालिटी को परखा। अब वक्त आ गया है फिनाले का। जी हाँ, यूएई के गणमान्य व्यक्ति भी यहाँ पर आए हैं बतौर जूरी और मेहमान बनकर, जिनमें शामिल है डेन्यूब ग्रुप के रिजवान साजन, जो ना सिर्फ
विनर्स को फेलिसिटेट करेंगे बल्कि उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएंगे। फिर रिजवान सजन ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन किया है और इस मौके पर वो बने खास मेहमान। कंटेस्टेंट सारे छोटे छोटे शहरों से आते हैं इनके पास, जिनको कुछ भी पता नहीं होता कि कैसे ड्रेस करना होता है, कैसे वॉक करना होता है, कैसे अपने आप को एक प्रेजेंट करना होता है। और ये प्लेटफॉर्म जो देती है मंदुआ इन सबके सबको और एक एक कॉन्फिडेंस दिलाती है सबको, ये बहुत बड़ा काम करती है। सो आई वुड लाइक टू पर्सनली कांग्रेचुलेट मंदुआ। इसी के साथ क्लामोन की टीम ने स्वागत किया प्रतीक सूरी का, जो यूएई में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। भाई प्रतीक सूरी थे शाम के खास मेहमान, जहां प्रतीक सूरी ने ना सिर्फ यहां पे आए हुए मेहमानों का स्वागत किया बल्कि अपने शब्दों से यूएई में भारतीयों का उत्साह भी बढ़ाया। देखो इंडिया के तो लोग इतने टैलेंटेड हो चुके हैं कि आज की रेट में इंटरनेशनल लेवल बना लिया उन्होंने, इंटरनेशनल नेम बना दिया है। हर जगह पे आपको इंडियंस दिखेंगे, यूएई आधा इंडियन से भरा हुआ है, इंडिया और पाकिस्तान से। इंडिया की कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत टैलेंटेड लोग देखने को मिलते हैं जो यहाँ पर इतनी मेहनत करके आ रहे हैं, यू नो इट फील्स गुड। अब मिलते हैं शो के होस्ट से, जो कोई और नहीं है बल्कि है मशहूर टीवी कलाकार तरुण खन्ना। शिव शक्ति के इंद्रदेव और ढेर सारे सीरियल्स में पौराणिक कर धार्मिक किरदार निभाने वाले तरुण खन्ना बने ग्लैमॉन 2023 के होस्ट। मैं ना सिर्फ होस्ट हूँ, थोड़ा बहुत जजिंग में भी मेरा नाम है। तो अभी मेरी जो फेवरेट है, मैं अगर यहाँ बोल दूंगा तो मुझ पे पक्षपात का आरोप लग सकता है, पक्षपात मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने इनको बोला जजिंग से मेरे को ना कोसों दूर रखिए। अभी मुझे ये लगता है कि जो हमारी मिस और मिसेज हैं उनसे भी ज़्यादा कड़ी टक्कर उनको मिलेगी, प्लस साइज़ की जो मिस एंड मिसेज हैं, क्योंकि हमने इस बार एक नया इस बार नहीं इनफैक्ट पिछले 3 साल से ये हो रहा है कि हमने एक मिस एंड मिसेज में प्लस साइज़ को भी ऐड किया है। क्योंकि बहुत सारे ब्यूटी पैजेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ लड़कियों को एक ख़ास तरह की फिगर में ही बांध कर रख देते हैं और दुनिया जहान की लड़कियां सोचती हैं कि यही सुंदरता है। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है, ब्यूटी लाइज इन द आइज़ ऑफ द बिहोल्डर, नॉट इन द कंपनीज जो कि आपके लिए टूथपेस्ट बनाती हैं या आपके लिए लिपस्टिक बनाती हैं या नेल पॉलिश बनाती हैं। ब्यूटी होती है उन लोगों की आंखों में जो देखने वाले होते हैं, और हम लोगों को वो दिखाएंगे। आपका आकार क्या है उससे कोई मैटर नहीं करता है, हर इंसान की शारीरिक संरचना अलग होती है, लेकिन आपका बोलने का अंदाज आपके हाथ में होता है, आपका चलने का अंदाज आपके हाथ में होता है, आप खुद को कैसे कैरी करते हैं वो आपके हाथ में होता है। हम यहाँ यही ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद में आप जलवा देखिए, कमाल कर देंगे। हम तब से जुड़े हुए हैं, हाँ उस टाइम डेफिनेटली इन्होंने जजिंग की थी, आज होस्टिंग कर रहे हैं, तो मैं भी कुछ देखना चाहती हूँ। जजिंग तो अभी भी है, एंड जजिंग तो अभी भी है, वो चीज पार्ट तो जाएगा ही नहीं, बिकॉज ग्लैमोन इनका है, मैं इनके हैं, हम सब इन्हीं के हैं। आज हम जहाँ पहुँचे हैं बिकॉज हमारी स्टार्टिंग एक जर्नी एक साथ से शुरू हुई थी और ग्लैमोन एक साथ शुरू किया हमने, तो हम इसको एंड तक लेके जाएंगे इसका। लेकिन इसका इसका कोई अंत नहीं है, इसका आरंभ तो है लेकिन ये अंत कभी नहीं होगा। भाई तरुण ने अपने अंदाज से सबका दिल तो बांधे रखा और साथ साथ पूरे कार्यक्रम का संचालन किया। शो की शुरुआत हुई नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड से, जहां पर सभी प्रतियोगी ने अपने प्रांत के कपड़े पहने और विदेश में भारत का झंडा लहराया। इसके बाद वक्त था फैशन शो का, जहां पर दुबई की डिजाइनर निशा के कपड़े पहनकर सबने अपना इवनिंग गाउन राउंड पूरा किया। भाई अजमान पैलेस के लिए बहुत बड़ा ऑनर है, बट एट द सेम टाइम डेस्टिनेशन अजमान के लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि स्प्रेडिंग ऑल ओवर इंडिया सच अ ब्यूटीफुल कंटेस्टेंट जो है वो यहाँ पे आके स्टे कर रही हैं, रिहर्सल कर रही हैं, और हमारे होटल के गेस्ट कितने इन्वॉल्व हैं कि उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, तो इट्स रियली ऑनर फॉर अजमान एंड इवन फॉर अस एज एन मैनेजमेंट ऑफ भाई अजमान पैलेस। तो हमारे लिए बहुत एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। जस्ट इन योगा एंड ऑफ कोर्स आई एम लिसन ऑल इंडियंस मंत्रा एंड दिस इज स्पेशल वाइब्स। यस इज ओम नमः। यस सो दिस इज अबाउट शिवा, दिस इज अबाउट ओम, दिस इज काली मंत्रा, दिस इज देवा परमाल, यू नो फेमस मंत्रास दे Do mantras, the famous on the world. इसके बाद मौका था सभी कंटेस्टेंट्स को अलग अलग किताबों से नवाजने का, जहां सभी प्रतियोगी ने यहां पर कुछ न कुछ जीता। और कल टैलेंट राउंड में हमने ऐसे बहुत सारे परफॉर्मेंसेस देखे हैं जो अलग अलग देशों के थे और प्रांतों के थे, एंड आई एम श्योर दीज टैलेंट्स विल रियली एक्सेल इन फ्यूचर, एंड आई हैव आई ऑन अ कपल ऑफ कंटेस्टेंट्स आउट हियर हु इज गोइंग टू डू एक्सीडिंगली वेल इन द कमिंग फ्यूचर। तो आई विल डेफिनेटली टेक देयर नंबर्स एंड आई एम श्योरली गो टू कास्ट देम समवेयर, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। या आई एम वेरी यंग टू देम, बट आई एम फीलिंग लिटिल इमोशनल, बस यस
आई एम टेलिंग यू दीज लेडीज आर गोइंग टू रॉक. ओके, वेदर दे आर प्लस साइज, जीरो साइज, एवरी साइज इज द राइट साइज. सो आई जस्ट वॉन्ट टू विश ऑल द बेस्ट. आई जस्ट रियली विश दैट देयर ड्रीम्स कम ट्रू एंड दे शुड अचीव व्हाटएवर दे वॉन्ट इन देयर लाइफ. आई फील रियली ग्रेट. एक प्राउड होना चाहिए एक हर इंडियन के लिए. तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सब भारतीय संस्कृति देख के. और उसके बाद आया फैसले का मौका और चुनी गई तीन मिस इंडिया, एक विनर और दो रनर अप. डाउट्स जो हमारे विनर हैं, इन्होंने बहुत अच्छा टैलेंट, इवन आसाम को जितने अच्छे से इसने प्रेजेंट किया, मुझे बहुत खुशी हुई कि कोई आसाम से निकला है. बिकॉज़ क्या है कि हमें ये नहीं, मुझे नहीं पता था कि आप जाओगे या नहीं जाओगे. ज्यूरी ने जो इनको देख के किया है ना, वो बहुत अच्छा डिसीजन किया है. बिकॉज़ टैलेंटेड भी है लड़की और आसाम को भी प्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग. तो आई थिंक हमें लोगों को आसाम को भी सपोर्ट करना चाहिए. एंड हमारी कम्युनिटी है, हम इंडियंस हैं, है ना. तो देन टैलेंट बहुत बेस्ट. वैसे मैं मदर हूँ इन सब बच्चों की. बिल्कुल मैम, बिल्कुल. पर आज ऐसा लग रहा है कि अपनी लड़कियों को घर भेजने के बाद आपको कैसा फील होता है? अभी वो उसके बाद खाली खाली लगेगा. पर ये जर्नी स्टार्ट फिर अगेन दोबारा शुरू हो जाएगी. स्टार वर्ल्ड कमिंग है एंड यूएई कमिंग है, वर्ल्ड वाइज कमिंग है. तो आप देखते रहिए सास बहू बेटियाँ. मिस इंडिया कैटेगरी में भी एक विनर रही और दो रनर्स अप. फर्स्ट से स्टार्ट हुई थी और कल फिनाले था इसका. और टचवुड बहुत अच्छे गए. 8 सीजन भी हमारा रॉक हुआ है और ये हमारे विनर्स हैं. तो आई होप कि आगे भी रॉक करेंगे. एक से एक बढ़कर मैं कह रही हूँ जीरो साइज से बेस्ट हमारा प्लस साइज है. एंड देन यू नो जो एक ग्लो शाइन और आई थिंक मुझे लगता है एक जो जज्बा होता है विनर होने के लिए और उसके अलावा एक चार्म जो होता है ना, वो मेरे हिसाब से प्लस साइज में हमें ज़्यादा मिला है. और सीरियसली बहुत ज़्यादा टफ था हमारे लिए कि हम किसको चूज़ करें किसको नहीं करें. पर ऑफकोर्स मेहनत सब ने की है, पर क्लास में फर्स्ट तो कोई एक ही आता है. आज हमें 8 साल हो गए ये करते करते, बट काफ़ी काम के साथ एंजॉय भी किया दिया गया. वहीं पर लड़कों की बात करें तो दो विनर्स चुने गए. तो आइए मिलते हैं सभी विजेताओं से. नहीं, मैंने सेकंड टाइम मिस्टर इंडिया किया. पहले मैंने सोचा था मिस्टर इंडिया नहीं करूंगी, सिर्फ मिस एंड मिसेस जीरो एंड प्लस साइज करूंगी. पर हाँ, अच्छे फेस मिल गए तो हमने मिस्टर इंडिया भी कर लिया. पर टचवुड बहुत अच्छा गया और ये हमारे विनर हैं, ये फर्स्ट रन अप हैं. तो अच्छा गया ऑल ओवर. तो ये थे ग्लैमॉन 2023 के फिनाले के नज़ारे, जहां पर 5 दिन का ये इवेंट रहा सतरंगा, जहां पर फैशन का रंग था नीले नीले समुद्र की छटा थी और यूएई की विदेशी भूमि में भारतीय सभ्यता संस्कृति का एक मेला भी था, जो आपके लिए लेकर आया सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटिया. ब्यूरो रिपोर्ट. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें. नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें. नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ.